हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा मूव करना चाहते हैं और आप रेगुलर वहां पर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपके सामने एक अलग सा प्रोग्राम पेश करूंगा, बताऊंगा, जिसमें आप अप्लाई करके आप वहां पर ईजी जॉब पा सकते हैं और आप आसानी से वहां पर मूव कर सकते हैं। यही नहीं, इस प्रोग्राम का ये भी खासियत है कि इसमें आपका कोई एज लिमिट नहीं है और इसमें कोई आइल्स का यूज़ नहीं है। आपको कोई डिग्री नहीं मांगा जाएगा, ना आपसे कोई क्वालिफिकेशन हायर मांगा जाएगा और ना ही आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। तो कौन ऐसा प्रोग्राम है और उसमें कैसे अप्लाई करना है और इसका क्या डिटेल है, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो कनाडा में मूव करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा में एक यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम चल रहा है 2020, जो कि काफ़ी बेनिफिट साबित होता है उन लोगों के लिए जो लगातार कनाडा के पीआर या वर्क परमिट के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी मदद करेगा जो पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री के जरिए कनाडा में मूव करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो जैसा कि मैं इसके बारे में बता दूं कि ये प्रोग्राम इसी साल जनवरी में 2020 में शुरू हुआ था और ये अगले 3 साल तक चलता रहेगा। तो वहीं अगर हम बात करें यूकॉन की, तो यूकॉन की आबादी 2016 के सेंसस के हिसाब से 35,000 है, तो यहाँ पर बहुत ही पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो इसके आधार पर यहाँ पर जॉब का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब लोग वहाँ पर कम है तो वहाँ पर जॉब जो वहाँ पर बिजनेसेस है वो चल रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोग सफिशियंट नहीं है वहाँ पर काम करने के लिए, इसीलिए वहाँ से बाहर से रिक्रूट किया जा रहा है। तो ये इजी एंड बेस्ट वे है कनाडा में मूव करने के लिए। अगर इस पायलट प्रोग्राम का आप यूज़ करते हैं तो ये सबसे आसान और सही तरीका है आपको कनाडा में माइग्रेट करने के लिए, और इसमें आपको कोई एज का लिमिट नहीं है, ना ही इसमें आइल्स का दरकार है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। तो इसमें होता क्या है कि कैंडिडेट जो होगा वो अप्लाई करेगा पीआर के लिए और उसको 2 साल का ओपन वर्क परमिट मिलेगा इस प्रोग्राम के तहत। ओपन वर्क परमिट मतलब कि वो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ मतलब फिक्स होकर काम नहीं कर सकता है, वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर के साथ एट अ टाइम काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओपन वर्क परमिट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पायलट प्रोग्राम में आपको LMIA का भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको इसके बिना भी आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगा, आप वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस प्रोग्राम में आपको अच्छा खासा बैंक अकाउंट चाहिए ये सब शो करना पड़ेगा, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये प्रोसेस लगभग आपके लिए फ्री है, बस कुछ नॉर्मल चांसेस जो फीस देना होगा जो आपका प्रोसेस आगे जब बढ़ जाएगा तब, ऐसा इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोसेस के अप्लाई करने के लिए आपका NOC लेवल 0, A, B, C और D सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये सवाल होता है कि इतना सब कुछ बेनिफिट ये प्रोविंस दे रहा है और इतना मतलब ये आसानी क्यों दे रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर आबादी बहुत कम है, आबादी कम होने की वजह से वहाँ पर जो लेबर का है वो शॉर्टेज हो रहा है, और लेबर का शॉर्टेज को मेकअप करने के लिए इस तरह का ऑफर गवर्नमेंट वहाँ का प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा कारण ये है कि वहाँ का वेदर बहुत ही हार्ड है, मतलब वहाँ पर 12 महीने में 8 महीने तक बर्फबारी होती है, तो यही एक कारण है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो दूसरे प्रोविंस में मूव कर चुके हैं, तो इसके कारण वहाँ पर लेबर शॉर्टेज हुआ है और वहाँ पर जो वहाँ पर बिजनेसेस है उसको चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसी वजह से वहाँ के गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वो बाहर से लोगों को रिक्रूट करेगा और अपने प्रोविंस के इकोनॉमी को और आगे बढ़ाएगा। तो वहीं अगर हम बात कर लें कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब ये प्रोसेस कैसे है, जॉब मतलब इसको कैसे मिलेगा, चाहे इसका क्या अदर फर्दर रिक्वायरमेंट है, तो आपको सबसे पहले एक जॉब ऑफर लेना पड़ेगा एक एम्प्लॉयर से, जो भी कंपनी या जो भी आपका ये फैक्ट्री वहाँ पर है, चाहे जो भी आपका एम्प्लॉयर है वहाँ से, यूकॉन से, वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके आपको एक जॉब ऑफर उनसे लेना पड़ेगा। और जब आप जॉब ऑफर ले लीजिएगा तो फिर उसके बेसिस में आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, मतलब आपका काम आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने वहाँ का आपका ये बेनिफिट दिया है कि आप एट अ टाइम 2 या 3 एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट करके आप उनसे 2 या 3 जॉब ले सकते हैं। अगर आप एक ही जॉब लेते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ है, लेकिन जॉब होना मैंडेटरी है क्योंकि जॉब के ऊपर ही आपका पीआर चाहे वर्क परमिट इशू होगा। गवर्नमेंट ने जो आपको 2 या 3 बेनिफिट दिया है उसमें आपको पार्ट टाइम सभी होंगे जॉब्स, मतलब कोई भी आपका जॉब फुल टाइम नहीं होगा, क्योंकि जब आप 2 या 3 एम्प्लॉयर के सामने काम कीजिएगा, साथ काम कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप फुल टाइम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, आपको पार्ट टाइम में ही काम करना पड़ेगा। इसी वजह से इसका नाम रखा गया ओपन वर्क परमिट। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यूकॉन की 6 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी है उसके अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट हो गया, मतलब इस प्रोग्राम का ये रिक्वायरमेंट हो गया जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। ये प्रोसेस बहुत ही आसानी और बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे कि आपको सबसे पहले जॉब ऑफर लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से। जब आपको एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिल जाएगा तो उस जॉब ऑफर को आपको गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन को वाया मेल सेंड करना पड़ेगा। जब आप उनको सेंड कर दीजिएगा तो
फिर उसके बाद वो लोग आपको नॉमिनेशन सेंड करेंगे, मतलब आप जो अपना जॉब ऑफर सेंड किए उनको, उनके उसको रीड आउट करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद वो लोग आपको एक नॉमिनेशन सेंड करेंगे। उस नॉमिनेशन के बेसिस पे आप कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई कीजिएगा। जब आप कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको वर्क परमिट भी इशू कर दिया जाएगा, और जब आपको वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा तो आप वहां पर मूव कर सकते हैं कनाडा में इस वर्क परमिट के बेसिस पे। जब आप वहां पर मूव कर दीजिएगा तो इसके साथ साथ आपका पीआर का जो काम भी है वो भी चलता रहेगा, मतलब वो स्टॉप नहीं है, क्योंकि आपने पहले पीआर के लिए अप्लाई किया है फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट मिला है। तो आपको वर्क परमिट जब आप काम करते रहिएगा वहाँ पर, आपका पीआर का काम चल रहा है। जब आपका पीआर का जब काम प्रोसेस खत्म हो जाएगा, मतलब वर्क परमिट तो आपका चल ही रहा है, उसके साथ साथ आपका पीआर का काम भी चल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इस कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के लिए हम जॉब कहाँ से पाएं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है, जो कि कनाडा जॉब बैंक है, उसमें आप जाएं और वहां पर आप टाइप करें कि यूकॉन पायलट प्रोग्राम, चाहे यूकॉन जॉब, तो वहां पर लिस्ट ऑफ जितने भी यूकॉन में जॉब्स है वो आपको सामने खुल जाएगा, और आप वहां पर देखें कि क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, कैसे है, उसमें कैसे कॉन्टैक्ट करना है, आप उनको अप्लाई करें। इसके साथ साथ और थर्ड पार्टी जो है वेबसाइट है, जॉब पोर्टल है, जैसे कि इंडीड हो गया, रैंस्टेड हो गया, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें से भी आप जॉब पा सकते हैं। तो आप इसको भी यहां पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे आप जॉब फाइंड आउट करें और कैसे अप्लाई करें और कैसा प्रोसेस है अप्लाई करने का, चाहे जॉब फाइंड करने का, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे कौन कौन से ऐसे वेबसाइट है और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम में, मतलब कौन कौन से जगह पर जाकर कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।